हे एवरी वन, वेलकम टू दिस चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आधार जैन, जो कि तारा सुतारिया के एक्स बॉयफ्रेंड हैं और उन्हीं की तारा सुतारिया की बेस्ट फ्रेंड को डेट कर रहे हैं और अब इन दोनों की शादी होने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू नो अबाउट हु दिस आधार जैन इज। तो अगर आपको नहीं पता, आधार जैन रणबीर कपूर के कज़न हैं। एक्चुअली रणबीर कपूर के फादर ऋषि कपूर और आधार जैन की मदर रीमा कपूर आर रियल सिबलिंग्स। तो इसी नाते रणबीर कपूर एंड आधार जैन आर कज़न्स। आधार जैन और तारा सुतारिया एक दूसरे को बहुत टाइम से डेट कर रहे थे और 2020 में वो पब्लिक हुए थे इस रिलेशनशिप को लेके। उस टाइम पे दोनों ही कपूर फैमिलीज की पार्टीज को अटेंड करते थे। तो देयर इज दिस गर्ल इन अ स्टोरी जिसका नाम है अलेखा, जो कि तारा सुतारिया की बेस्ट फ्रेंड थी। एज अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ तारा सुतारिया, अलेखा तारा और आधार जैन के साथ भी हैंग आउट करती थी। आफ्टर डेटिंग ईच अदर फॉर अ व्हाइल, तारा सुतारिया और आधार जैन एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेते हैं नवंबर 2023 में। ब्रेकअप के कुछ ही टाइम बाद आधार एंड अलेखा अपनी एंगेजमेंट को अनाउंस कर देते हैं सितंबर 2024 में, एंड नाउ दे आर गेटिंग मैरिड। जब आधार और तारा सुतारिया डेट कर रहे थे तो अलेखा स्टोरी भी पोस्ट करती है, में वो अपने आप को थर्ड व्हील बोलती है। आधार और तारा के ब्रेकअप के बाद वो आधार को डेट करना शुरू कर देती है। डेटिंग के कुछ ही टाइम बाद आधार अलेखा को प्रपोज कर देता है और सोशल मीडिया में उसकी पिक्चर्स अपलोड कर देता है। आई मीन व्हाट्स रॉन्ग विद द सोसाइटी, कभी आप किसी को डेट करते हो फिर आप उसकी बेस्ट फ्रेंड को डेट कर लेते हो, फिर आपको याद आ जाता है कि ओ नो, मैं जिसको डेट कर रहा हूँ ये मेरे लिए नहीं है, मेरी तो एक बेस्ट फ्रेंड है बचपन वाली, मैं तो उसको डेट करूंगा। आई मीन डेटिंग, मैरिज, एवरीथिंग इज जस्ट जॉक फॉर दिस पीपल। ऐसी सिमिलर चीज़ हमको देखने को मिली थी आलिया रणबीर और कटरीना के केस में। आलिया एंड कटरीना बेस्ट फ्रेंड्स थे और कटरीना उस टाइम पे रणबीर कपूर को डेट कर रही थी, एंड आलिया हैड क्रश ऑन रणबीर कपूर और उसने ये ओपनली एडमिट भी किया है कि उसको क्रश था रणबीर कपूर के ऊपर। एंड गेस व्हाट, जब कटरीना और रणबीर का ब्रेकअप हुआ तो आलिया रणबीर को डेट करने लगी। आई मीन तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का वो एक्स बॉयफ्रेंड है और तुम उनको उसको डेट कर रही हो और अब उसकी शादी भी हो चुकी है उसके साथ। प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस पीपल, दिस पीपल आर रियली टॉक्सिक एंड मैनिपुलेटिव। These Bollywood celebrities, they pretend to be something and they are something else. ये दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। Cheating, infidelity, अपनी best friend के boyfriends को date करना, और कई cases में तो ऐसा भी देखा गया जिसमें अपनी best friend के पति को ही date करने लग पड़ती हैं लड़कियाँ। Please stay away from all these type of toxic friends in your circle. Girls have dignity in yourself. हमें उन लोगों को अपना आदर्श मानना चाहिए, हमें उन लोगों को अपनी inspiration मानना चाहिए जिन्होंने सच में अपने बलबूते में life में कुछ अचीव किया है, ना कि pity Bollywood celebrities को जो नेपोटिज्म की गेम खेलते हैं, फिर ड्रग्स पार्टीज में जाते हैं, अल्कोहल एडिक्ट हैं। एंड दीज पीपल आर नॉट इवन लॉयल टू देयर पार्टनर्स, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज पीपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक यू।